हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसक्यूए ट्यूटोरियल। इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। जी हाँ, आपने सही सुना, सेल की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आ रही है। सेल ओसीटीटी 2020-24 के एग्जामिनेशन के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इस एग्जामिनेशन के रिजल्ट को देखना चाहते हैं तो सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के रिजल्ट के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे पीडीएफ को डाउनलोड करने का प्रोसेस, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग सभी चीजों को। और आप लोग जानते हैं 17 मई को ये एग्जामिनेशन हुए थे सेल ओसीटीटी का। साथ ही साथ आप सभी को मैं याद दिला दूं कि ये जो वैकेंसी थे, टोटल 9 स्टील प्लांट के वैकेंसीज को कंबाइंड करके ये वैकेंसीज को रिलीज की गई थी। तो ऐसे में ज्यादा ब्रांच वाले बच्चे भी एलिजिबल हो गए थे, जैसे कि सेल ओसीटीटी कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेल मेटलर्जी, सेल केमिकल, ये सभी ब्रांच वाले बच्चे भी एलिजिबल हो गए थे। जबकि रेगुलर वैकेंसी जो आता है सेल ओसीटीटी के पोस्ट के लिए, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का आमतौर पर। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि किस तरह से होंगे स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन जिस ब्रांच के रेगुलर वैकेंसीज नहीं आते थे, तो इसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे एक नेक्स्ट वीडियोस में। तो अगर आप लोग स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए, इस चीज को लेकर के बहुत डिलेमा में है, कंफ्यूजन है, में है, परेशान है, तो आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस के नोटिफिकेशन को पाने के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन को लेकर के भी बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। और ऑलरेडी कुछ वीडियोस को हमने अपलोड कर दिया है, स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन किस तरह से होते हैं उसको आप लोग देख सकते हैं YouTube पे सर्च करके सेल ओसीटीटी स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन बाय एसकी ट्यूटोरियल लिख करके या बाय सौरभ सर लिख देंगे तो वो वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगा। मुझे स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन का पर्सनल भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप सभी बच्चों को पता होगा, जो बच्चे मुझे पहले से जानते हैं, जो बच्चे मेरे साथ एसकी ट्यूटोरियल ऐप पर पढ़े भी हैं, पूरा बैच में कंप्लीटली प्रिपरेशन किए हैं, उन सभी बच्चों को तो पता है। लेकिन YouTube पे अगर कुछ बच्चे मुझे नए या फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं, तो आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, मैंने खुद सेल ओसीटीटी एग्जामिनेशन को 3 टाइम क्रैक किया है। सेल ओसीटीटी इलेक्ट्रिकल से राउरकेला, सेल बर्नपुर, सेल बोकारो, तीनों ही एग्जामिनेशन को क्रैक किया था और इसके स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन को भी दिए थे। तो अलग अलग प्लांट में किस तरह से होते हैं स्किल टेस्ट, ऑलरेडी हमने अपने पिछले वीडियोस में अपना एक्सपीरियंस के साथ साथ स्किल टेस्ट कैसे होते हैं सभी चीजों के बारे में बातें की है। लेकिन फिर भी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली अगर आप लोग चाहते हैं लेटेस्ट प्रोसेस को समझने के लिए कि सर किस तरह से होंगे स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन, किस तरह से मुझे करनी चाहिए प्रिपरेशन इन सभी चीजों के बारे में, तो आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशंस को पाने के लिए, क्योंकि स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी मैं गाइडेंस वाला वीडियोस बहुत जल्द ही लेकर के आने वाला हूं। अब आप सभी के जानकारी के लिए मैं यह भी बता देता हूं कि कुछ बच्चे जो हमारे पेड बैच में को लेकर के प्रिपरेशन कर रहे थे और इस एग्जामिनेशन को दिए थे कंप्लीटली, उसमें से भी अभी तो 4-5 बच्चों का ही मैसेज आया है कि मेरा उस पीडीएफ में सर रोल नंबर है, मेरा सिलेक्शन हुआ है सीबीटी एग्जामिनेशन में। और भी बहुत सारे बच्चे का अभी मैसेज आना बाकी है। अगर आप लोग का अभी बेसिकली आप लोग भी पेड बैच वाले बच्चे हैं, हमारे एसकी ट्यूटोरियल ऐप से पढ़े हैं और आपने अभी तक रिजल्ट चेक नहीं किया है, रिजल्ट को चेक करिए। और अगर आपका पीडीएफ में रोल नंबर है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप एसकी ट्यूटोरियल ऐप के अपना बैच के चैट सेक्शन में भी अपना रोल नंबर के साथ अपना सिलेक्शन जो हुआ है वो बता दीजिएगा। आप सभी को बैच में जो एसकी ट्यूटोरियल ऐप में जो बैच वाले बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं उसको स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन के लिए और भी अच्छे से गाइड वाला वीडियो जो है स्पेशल क्लासेस ऐप पे देखने को मिलेंगे। हालांकि YouTube पे भी अपलोड होंगे स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो सारा प्रोसेस होंगे। तो जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है हमारे ऐप से या फिर हमारे YouTube के सिर्फ वीडियोस को देखते थे, आप सभी बच्चों को मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एसकी ट्यूटोरियल की तरफ से, साथ ही साथ मेरे तरफ से एसकी ट्यूटोरियल की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन बच्चों का नहीं हुआ है निराश हताश नहीं होना है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आते रहता है और आप लोग एक जगह नहीं दूसरे जगह ट्राई करेंगे, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर आप ईमानदार हैं तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा।
आप अपने प्रिपरेशन के प्रति बस ऑनेस्ट रहिए। जैसे कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो इसमें मैं मानता हूं कि 90% जो योगदान है वो बच्चों का है जो हमारे पेड बैच में जुड़ करके अपने से मेहनत करके सिलेक्शन लिए हैं। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं, मैं तो सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता हूं। आप सभी को सिर्फ छोटा मोटा कंट्रीब्यूट करके कह सकते हैं कि आप सभी को कंटेंट दे करके आप सभी को जस्ट गाइड करता हूं, लेकिन एक्चुअल में जो भी बच्चे सेलेक्टेड हैं हमारे एसकी ट्यूटोरियल ऐप पे पढ़ के, वो सभी बच्चे जो हैं बेसिकली खुद मेहनत करके सेलेक्ट हुए हैं। मैं इस चीज को मानता हूं अच्छे से। मैं तो सिर्फ कंटेंट दिया, मॉडल सेट सैंपल पेपर सॉल्व करने के लिए दिया था, तो वो सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल रहा। मुझे भी बहुत खुशी है कि आप लोग एसकी ट्यूटोरियल के साथ जुड़ करके सेलेक्ट हुए हैं, और जितने भी बच्चों ने अभी तक मैसेज नहीं किया है और सेलेक्ट हो गए हैं, आप लोग बेसिकली ऐप पे भी और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे कि सर मेरा इस पीडीएफ में बेसिकली रोल नंबर है, हम लोग शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करनी है, मार्क दर्शाइए, और गाइड करूंगा मैं और भी आने वाले दिनों में वीडियोज में। खैर फिलहाल फ्लो फ्लो में हम लोग चल गए और सभी डिटेल में बातों को करने के लिए, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन चलिए अब हम लोग देखते हैं रिजल्ट के पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर जब जैसे ही आप लोग विजिट करेंगे सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये है सेल का ऑफिशियल वेबसाइट, इस पे जैसे ही आप लोग प्यारे बच्चों विजिट करेंगे और नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर न्यूज सेक्शन आता है। न्यूज सेक्शन में ही आ रहा है कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन द सीबीटी हेल्ड ऑन 17 मई फॉर अपियरिंग स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन, उसके लिए रिजल्ट रिलीज हो चुके हैं। ये सभी बच्चे जो हैं अपीयर होंगे स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन के लिए। आई थिंक स्क्रीन के ऊपर आप सभी को विजिबल नहीं हो रहा होगा क्योंकि ब्राइटनेस थोड़ा सा बेसिकली ज्यादा है आई थिंक इस वजह से। तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जब विजिट करेंगे तो ये वाला रिजल्ट का पीडीएफ ओपन होगा जिसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी हेल्ड ऑन 17 मई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी मेटलर्जी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सिविल केमिकल सेरामिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्राफ्टमैन, ये सभी पोस्ट के लिए रोल नंबर वाइज जो है बेसिकली सीबीटी एग्जामिनेशन के बेस्ड पे इस बच्चों का शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये सभी बच्चों का रोल नंबर वाइज, जैसे कि सेल ओसीटीटी मेटलर्जी के लिए 172 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इसी तरह से अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल में बात करेंगे तो ओसीटीटी इलेक्ट्रिकल में 203 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, और सब इंफॉर्मेशन जो है ब्रांच वाइज आप लोग देख सकते हैं। तो यहां पर मैकेनिकल में 314 कैंडिडेट्स का को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो हमारे जो एसकी ट्यूटोरियल ऐप पर बैच चलते थे सेल ओसीटीटी का इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल का तो देख लिया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन का, 45 कैंडिडेट हैं। तो यहां पर इंस्ट्रूमेंटेशन में टोटल 45 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिविल के बैच नहीं चलते थे, केमिकल के भी नहीं चलते थे। इसके बाद यहाँ पर ओसीडीटी सेरामिक का 18 कैंडिडेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से 24 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टोटल 62 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो टोटल जो है अभी मेरे बैच में तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बैच चलते थे। तो अभी तक टोटल 4-5 बच्चों का मैसेज आ गया है कि सर मेरा पीडीएफ में रोल नंबर है। तो अगर आप सभी बच्चों का भी है तो एक बार चेक कर लीजिए पहले, और है तो आप लोग ऐप पर भी मैसेज कर दीजिएगा, और साथ ही साथ आप लोग YouTube के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी भेज दीजिएगा। आप सभी को स्पेशल अपना एक्सपीरियंस के आधार पे अच्छे से स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन के लिए मैं गाइड करने वाला हूं। जो बच्चे हमारे बैच में नहीं पढ़े थे लेकिन कहीं और से पढ़े थे और आपका सिलेक्शन हो गया है इस बार, तो भी आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं कि सर आई एम सेलेक्टेड, मेरा रोल नंबर इतना है और मैं सेलेक्टेड हूं, इस पीडीएफ में मेरा रोल नंबर है। तो इससे मुझे एक रफ आइडिया लग जाएगा कि हाँ इतने बच्चे वेट कर रहे हैं बेसिकली स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन की वीडियोस को देखने के लिए। तो मैं स्किल टेस्ट वाला वीडियोस को और भी लेटेस्ट फॉर्म में बनाऊंगा, हालांकि आप पिछले वीडियोस को भी देख सकते हैं, वो भी अपलोड किया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल दिया गया है स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन को जो है ना, स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन कब होंगे इसके लिए नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही जारी किया जाएगा। अभी डेट रिलीज नहीं हुआ स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन का, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। और ये जो रिजल्ट है ये फाइनल सिलेक्शन
नहीं है, ये सिर्फ शॉर्टलिस्ट किए गए हैं आप स्किल टेस्ट एग्जामिनेशंस के लिए। स्किल टेस्ट एग्जामिनेशंस को भी अगर आप क्वालिफाई कर जाएंगे तब जो रिजल्ट निकलेगा वो होगा आपका फाइनल सिलेक्शन वाला। तब आप करेंगे, जब तब जब रिजल्ट आएगा तो जितने भी बच्चे सेलेक्ट होंगे आप लोगों का इंतजार रहेगा एसके ट्यूटोरियल के ऑफलाइन स्टूडियो में। आप लोग आएंगे मिठाई लेकर के कि सर आई एम सेलेक्टेड इन सेलो सीटेट एग्जामिनेशंस। और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि कुछ बच्चों का इसमें पीडीएफ में रोल नंबर है जिसको कि मैंने गाइड किया है। तो आगे और भी खुशी होगी जब फाइनल सिलेक्शन होगा। ये तो एक कह सकते हैं कि एक स्टेज को हम लोगों ने पार की है। तो उम्मीद करते हैं सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का किसी भी बच्चों को डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके अवश्य भेजिएगा। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।